नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैल्डिसन D3 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, कैल्डिसन D3 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और कैल्डिसन D3 टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि कैल्डिसन D3 टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कैल्डिसन D3 एक ब्रांड नेम है। कैल्डिसन D3 टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन कोलेकैल्सिफेरॉल 60,000 नेशनल यूनिट होता है। विटामिन D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। कैल्डिसन D3 टैबलेट का उपयोग शरीर में विटामिन D की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। हमारे शरीर में दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D भी बहुत ही जरूरी होता है। हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों में स्टोर होता है, और बचा हुआ 1% हमारे ब्लड में होता है। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब हमारा शरीर हड्डियों और दांतों से कैल्शियम लेने लग जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हड्डियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं। हड्डियां कमजोर होने की वजह से हड्डियों में हल्की सी चोट या गिरने की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। कैल्शियम और विटामिन D की कमी की वजह से दांतों की जड़ें कमजोर हो जाती है और दांत भंगुर होकर टूटने लगते हैं, और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है, और शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहने की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा ऑस्टियोमालेसिया होने पर, ऑस्टियोपोरोसिस होने पर या बच्चों में रिकेट्स होने पर भी डॉक्टर कैल्डिसन D3 टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। रिकेट्स होने पर बच्चों की हड्डियां कमजोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और ऑस्टियोमालेसिया होने पर हड्डियां कमजोर हो जाती है और शरीर के जोड़ों, हड्डियों व मांसपेशियों में दर्द रहने की समस्या हो जाती है। किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को होने से रोकने के लिए भी डॉक्टर कैल्डिसन D3 टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। माँ का दूध पीने वाले छोटे बच्चों में विटामिन D की कमी हो सकती है, क्योंकि माँ के दूध में विटामिन D की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए माँ का दूध पीने वाले बच्चों में विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर विटामिन D और कैल्शियम की ड्रॉप्स दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो सही डोज में कैल्डिसन D3 टैबलेट को लेने पर ज्यादातर व्यक्तियों में कैल्डिसन D3 टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कैल्डिसन D3 टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ज्यादा डोज में कैल्डिसन D3 टैबलेट को लेने की वजह से शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर अधिक हो सकता है। शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर ज्यादा होना भी नुकसानदायक होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैल्डिसन D3 टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। कैल्डिसन D3 टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। कैल्डिसन D3 टैबलेट एक च्यूएबल टैबलेट है, इसलिए कैल्डिसन D3 टैबलेट को मुंह में निगलने से पहले अच्छी तरह से चबा लेना चाहिए। कैल्डिसन D3 टैबलेट को दूध या पानी के साथ लिया जा सकता है, लेकिन कैल्डिसन D3 टैबलेट को शाम के समय दूध के साथ लेना ज्यादा अच्छा होता है। आमतौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर कैल्डिसन D3 टैबलेट को सप्ताह में केवल एक बार ही लेने
लेने की सलाह देते हैं और 8 सप्ताह तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। और 8 सप्ताह बाद डॉक्टर कैल्डिसन D3 टैबलेट को महीने में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं और 6 महीने तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। कैल्डिसन D3 टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको कैल्डिसन D3 टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैल्डिसन D3 टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कैल्डिसन D3 टैबलेट को लेने के बाद यदि आप लेबोरेटरी में कोलेस्ट्रॉल की जाँच करवाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ज्यादा हाई डोज में विटामिन डी को लेना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कम डोज में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दे सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए कैल्डिसन D3 टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कैल्डिसन D3 टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।